गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गोपी तिवारी। आज हम आपके सामने कॉफ़ी फेस स्क्रब बताने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। कॉफ़ी, उसके लिए सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए, एलोवेरा जेल, शहद, कोई भी ऑयल चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रोगन बादाम का ऑयल लिया है। आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोगन बादाम लिया हुआ है। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे चाहिए होगी चीनी। चलिए शुरू करते हैं स्क्रब, मिलाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स कॉफ़ी डालेंगे, हाफ टी स्पून कॉफ़ी डालेंगे। फ्रेंड्स, हाफ टी स्पून कॉफ़ी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे। थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल डाला। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे शहद भी डाला, थोड़ा सा शहद चाहिए। यहाँ शहद भी मैंने एक चम्मच शहद ले लिया, वो डाला। और उसके बाद कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये रोगन बादाम का ऑयल डाला है। आप यहाँ पे कोई भी नारियल का ऑयल ले लेना या गरी का, कोई भी ले सकते हैं आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल लिया फ्रेंड्स। उसके बाद ये सब अच्छे से मिलाएंगे। हल्की सी, तब तक मिलाएंगे फ्रेंड्स हल्की सी चीनी मेल्ट हो जाए। जो चीनी के दाने हैं फ्रेंड्स, हल्के से मेल्ट होने शुरू हो जाए, तब तक हम इसको चलाते जाएंगे। बड़े अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि ये लम्स ना पड़े। और उसके बाद ये फ्रेंड्स हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के, इसको स्क्रब है तो इसको स्क्रब करते हुए चेहरे पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद सूखने के बाद हम इसको हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हो गया ये। अब हम लगाना शुरू करते हैं। अब इसको फ्रेंड्स अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको चेहरे पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स चेहरे को साफ कर लेंगे। और उसके लिए मैंने एक टिश्यू लिया है, उससे चेहरे को साफ कर लेंगे, या आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद ही स्क्रब करिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कैमरे में नहीं आ रहा उतना, चेहरा काफ़ी गंदा होता है।
नहीं मिला, हो गया। और उसके बाद मैं चेहरे पे अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं इसको अच्छे से मिलाए ले रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके लिए आप स्क्रब है इस वजह से आप थोड़ा स्क्रब फ्रेंड्स चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, मैं काफ़ी बार इसको यूज कर चुकी हूँ। ये बहुत ही चेहरे को एकदम सॉफ्ट हल्के हाथों से फ्रेंड्स इसको हम लगाएंगे चेहरे पे। और लगाने के बाद गुनगुने पानी से फ्रेंड्स हम इसको चेहरे धो लेंगे। चीनी और कॉफ़ी फ्रेंड्स हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैंने एक बॉडी स्क्रब बताया था फ्रेंड्स, उसमें भी मैंने चीनी यूज की थी। इसको फ्रेंड्स स्क्रब करने के बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो देंगे। धोने के बाद फ्रेंड्स देखिएगा अलगी ग्लो दिखेगा। चलिए अब चेहरा धो लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने चेहरा धो लिया है हल्के गुनगुने पानी से। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, इसको लगाने के बाद स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए डेड स्किन भी आपकी निकल जाएगी इससे। कॉफ़ी हमारे चेहरे के लिए बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पहले मेरा चेहरा और स्क्रब के बाद। इसको आप फ्रेंड्स हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉडी स्क्रब में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। देन आप देख सकते हैं स्क्रब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है फ्रेंड्स। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। इसमें जो चीनी और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन है प्लस शहद, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये गुड वाइब्स का रोज टोनर मैं लगाई ले रही हूँ। ये था फ्रेंड्स कॉफ़ी का फेस स्क्रब, और इसको आप भी ट्राई करिएगा। मैंने तो इसको काफ़ी बार ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है फ्रेंड्स, अच्छा रिजल्ट है इसका। और आप भी ट्राई करिएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, तब तक के लिए ओके बाय।